नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बात कर रहा हूँ PTT काउंसलिंग 2019 की, PTT काउंसलिंग 2019 की, जिसमें आप BA BEd, BSc BEd और BEd दो वर्षीय प्रोग्राम में एडमिशन के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा इसमें। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। दोस्तों, बात करते हैं PTT काउंसलिंग 2019 की। राजस्थान की PTT काउंसलिंग चालू हो चुकी है दोस्तों, जिसमें चार वर्ष से BA BEd BSc BEd एडमिशन चालू हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको जल्दी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों, उससे संबंधित सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, पहले बात करते हैं चार वर्षीय BA BEd BSc BEd जो एडमिशन प्रोसेस है उसके बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जून 2019 से चालू हो चुका है और 5 जुलाई 2019 को ख़त्म होगा। दोस्तों, तो आप 25 जून से 5 जुलाई के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके 5000 जो फीस है इसकी रजिस्ट्रेशन की वो फिलअप करके कंप्लीट करें ताकि आगे के प्रोसेस के लिए आपका प्रोसेस चालू हो सके। दोस्तों, महाविद्यालय में चयन के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो आप रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करते हैं तो आप इसके बाद में 1 जुलाई 2019 से 7 जुलाई 2019 तक इसकी कॉलेज ऑप्शन की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सारी पैराइटी आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फर्स्ट काउंसलिंग की जो है वो महाविद्यालय की सूचना मिलेगी, अलॉटमेंट होगा, कौन से कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होता है उसकी डिटेल आपको 8 जुलाई 2019 को मिलेगा अलॉटमेंट की डेट। अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों आपको 22000 जो इसकी बाकी बकाया फीस है वो फिलअप जो बैंक के थ्रू आपको या ऑनलाइन के थ्रू आपको देनी पड़ेगी। ये देने के बाद में आप जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपके पास में 3 स्टेप्स हो गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन और 5000 फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फिर ऑप्शन फॉर्म भरने पड़ेंगे कॉलेज को, उसके बाद आपका आवंटन हो जाता है, आवंटन के बाद आपको पीछे जो बकाया फीस बची है 22000 रुपये वो कॉलेज में या ऑनलाइन फिलअप करने के बाद में, दोस्तों 5000 भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, ये फीस जो है आप 9 जुलाई से 15 जुलाई के बीच तक जमा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसकी डिटेल भी हम नीचे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेज में। रिपोर्टिंग मीन्स होता है कि आपने एडमिशन ले लिया है और कन्फर्मेशन हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होने के बाद में, ताकि नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए जो खाली बची सीटें हैं उसके लिए प्रोसेसिंग हो सके। इसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने फर्स्ट टाइम में कॉलेज में रिपोर्टिंग किया है और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको पता चला है कि आपके नज़दीक या होम डिस्ट्रिक्ट में कहीं सीट खाली पड़ी है और आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाए, तो इसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको वापस से फॉर्म फिलअप करना होगा, कोई फीस वगैरह नहीं लगता इसके। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको 12 जुलाई 2019 से 19 जुलाई 2019 के बीच में फॉर्म फिलअप करो, उस कॉलेज का ऑप्शन डालो जिसमें सीट खाली पड़ी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या नज़दीक में। तो वो करने के बाद में आपका वापस अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है 20 जुलाई को कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला। वापस नए कॉलेज में जहां आपने वो अपवर्ड मूवमेंट में मिला है वहां रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 22 जुलाई 2019 से 25 जुलाई के बीच में रिपोर्टिंग करना होता है उस कॉलेज में, ताकि आपका एडमिशन कंफर्मेशन हो जाए और सेकंड काउंसलिंग की तैयारी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपके प्रोसेसिंग के। उसके बाद में आपको कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने उसकी डिटेल आपको बता दूँ। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं BA BEd और BSc BEd के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी बात करता हूँ। तो ये देखो, आप देख सकते हैं कॉलेज आवंटन की जो पर्ती है, जो कॉलेज आवंटन हो जाता है, कौन सा कॉलेज मिला उस कॉलेज के नाम की जो एक पर्ती प्रिंट आउट होती है ऑनलाइन वेबसाइट से, PTT काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उससे, तो एक वो ले जाना है। उसके बाद में आपको 5000 और 22000 जो 5000 और 22000 जो इसकी फीस है वो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी भरी हो
दोनों की रिसिप्ट ओरिजिनल होना चाहिए, उसके बाद में ट्वेल्थ की मार्कशीट, टेंथ की मार्कशीट, माइग्रेशन, अगर आप ट्वेल्थ पास किया हाँ माइग्रेशन अभी नहीं आया है तो कोई नहीं, आप ऐसे ही चले जा सकते हैं, जब माइग्रेशन आए तब डिपॉजिट करा सकते हैं कॉलेज में। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है, अगर आप श्रेणी OBC SC ST के थ्रू आपका अगर एडमिशन हुआ है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी लगाएं और कम से कम 4 से ज़्यादा फ़ोटो अपने साथ रखें दोस्तों, ताकि फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो सके। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों जो ये बीएड जो एडमिशन है उसकी डिटेल के बाद देखते हैं, 2 वर्षीय जो बीएड एडमिशन होना है उससे संबंधित जो भी डेट्स और इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दें। तो बात करते हैं बीएड एडमिशन 2008 का, सॉरी 2 ईयर्स के लिए 2019 का, तो उसकी बात करते हैं। तो 2 वर्षीय एडमिशन के लिए आपको जो ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है दोस्तों, मिनिमम 50% जिसका, और अगर SC ST कैंडिडेट के लिए उनके रियायत है तो उसके लिए अगर बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग है तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 1 जुलाई 2019 से 10 जुलाई 2019 है, और दोनों की डेट अलग दी गई है इसमें। तो बीएड के लिए अलग से डेट है, इस डेट को आपको 5,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको विकल्प भरने कॉलेज के लिए 5 जुलाई से 7 जुलाई तक, उसके बाद में फर्स्ट काउंसलिंग होगा 16 जुलाई को, और उसके बाद में 22,000 जो आपको फीस फिलअप करनी है जो भरनी है बैंक के थ्रू या ऑनलाइन वो करनी है 17 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। तो इस तरह से ये डिटेल दी गई है, और आपको कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाने हैं, कॉलेज आवंटन की ऑनलाइन पर्ची 5,000 और 22,000 की ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है बैंक की जो ओरिजिनल स्लिप है वो, उसके बाद में टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, BA BSc BCOM जो भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिसमें भी उसकी मार्कशीट, और उसके बाद में माइग्रेशन प्रमाण पत्र अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा आ गया है, नहीं तो आप बाद में डिपॉजिट करा सकते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू आपका एडमिशन हुआ तो कास्ट और 4 या उससे ज़्यादा फोटो आपके साथ में रखने जरूरी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है, आप देख सकते हैं इसको। और दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।